हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का एलजेब्रा का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट 1 यानी कि एलजेब्रा का, जो हमने चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत की हुई थी पॉलिनोमियल्स, आज हम इसका लेक्चर नंबर 9 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफी बड़ा चैप्टर है, काफी दिनों से हमारे चल रहा है। आप सोच सकते हो कि हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है, ये नवा लेक्चर है ये इस चैप्टर का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम जो भी चैप्टर होता है उसको कितना डीप में, कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स, साथ में ईच एंड एवरी एक्सरसाइज वो हमने कंप्लीट करा के देते हैं दोस्तों। एंड रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको जरूर से होमवर्क देते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। लेकिन बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर आपका सिलेबस शायद पीछे चल रहा है। ट्रस्ट मी दोस्तों, हमारा सिलेबस एकदम परफेक्ट चल रहा है। क्यों परफेक्ट चल रहा है दोस्तों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि सर आपका अभी तक थर्ड चैप्टर चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये भी तो देखो, ज्योमेट्री का भी हमारा 3 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो टोटल 6 चैप्टर 6 महीने के हिसाब से देखें तो हम लोग अभी 6 महीना भी नहीं हुआ रहेगा, 4 से 5 ही महीना हुआ, लेकिन हम बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं ईच एंड एवरी पॉइंट सिखा रहा हूँ दोस्तों। कभी मैं चाहूंगा तो इसको मैं ये पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में भी कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है, तो कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, कंसेप्ट। क्योंकि अगर कंसेप्ट के लिए ज्यादा टाइम लगता है, अगर 1 का 2 लेक्चर लगता है, तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी वो चीज पढ़ने के लिए तैयार है। और मैं आपको पता होगा बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाता हूं, 1/2 आवर का 1 घंटे का लेक्चर नहीं बनाऊ। क्यों नहीं बनाता हूं? आप लोग 1 घंटा 1 घंटा अगर पढ़ने लगे, 1/2 घंटा तो मैं मैथ्स मोस्ट प्रोबेबली बना भी देता हूं, कभी कभी हमारा 20-25 मिनट का लेक्चर हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो आप खुद बोर हो जाओगे और आप लोग अगले दिन नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए मैं आराम से 15-20-25 मिनट तक का ही सेशन बनाता हूं, ताकि आपको एक दिन एक टॉपिक समझाओ, उसके ऊपर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको समझाओ, ताकि आप लोग कंसेप्ट पढ़ो एंड दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बोलता हूं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मुझे लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं कि सर आपके वैसे मेरे टेस्ट मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आउट ऑफ मार्क्स आए, 20 में से 20 आए। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, और आप लोग का जब कंसेप्ट याद रहता है ना दोस्तों, तो आप कोई भी एग्जाम्पल देने दो, अननोन एग्जाम्पल जो आपने कभी देखा भी नहीं है, वैसे एग्जाम्पल भी दे दूंगे ना क्वेश्चन में, आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जो मेरा चैनल खोलने का जो उद्देश्य था, यही था कि आप लोगों को मैं यहां से स्मार्ट बनाऊ। रट्टा मार के या फिर सिर्फ कोई जो देख के आता है, वो तो कोई भी मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेता है, लेकिन यहां से जो स्मार्ट रहेगा ना दोस्तों, वो लाइफ में जरूर से तरक्की करेगा। ये मेरी बात जो है जरूर से ध्यान में रखना दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग का जो है, नॉर्मली मैं आज का जो टॉपिक बता दू, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 में हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 3.5। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंसिडर किए थे, जिसमें हमने देखा था बेसिकली डिवीजन का जो 2 मेथड था, दैट इज आपका रिमाइंडर मेथड एंड फैक्टर मेथड, ये हमने कंप्लीट किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 3.5। बहुत ही लंबा एक्सरसाइज है, अगर देखेंगे बहुत ही लंबा प्रैक्टिस सेट है। तो टोटल 13 क्वेश्चन है, लेकिन 13 का 13 में नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 एग्जांपल कराने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि बाकी सब रिमेनिंग एग्जांपल एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर मतलब आप लोग आराम से कर पाओगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग के 2 से 3 एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा, ताकि आप लोग को याद आ जाए कि किस तरह से किया जाता है। रिमेनिंग एग्जांपल्स आप लोग जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, और इतनी मेरी गारंटी है कि आप लोग ने अगर मेरा जितने भी 8 का 8 लेक्चर हुआ है इस चैप्टर का, अगर आपने देखा है, तो 100% आप ये जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, तो आप लोग अपना टेक्स्टबुक साथ में लेके बैठिए। तो पेज नंबर 53, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जितना कम टाइम यूज कर सकूं मैं आपका, उतना मैं कम यूज करना चाहता हूं। इसके लिए नॉर्मली जो लोग 1 घंटे में वो चीज नहीं पढ़ा पाते, मैं उतना मैं 15-20 मिनट के लेक्चर में पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको पता है एक मेरी हैबिट है फास्ट बोलने की। बहुत लोग इसके ऊपर कंप्लेन भी करते हैं, बट ये नेचुरल है दोस्तों, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो हैबिट है मेरी, बहुत फास्ट बोलता हूं, इसकी वजह से शायद मेरे को बहुत ज्यादा पसीना आता है फास्ट बोलने की वजह से, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता दोस्तों। ये नेचुरल है, मैं चाहे स्कूल में था बचपन में भी ऐसा ही बोलता था, अभी भी ऐसे ही बोलता हूं, तो इसकी वजह से पसीना आता है। पंखा भी चल रहा है दोस्तों, लेकिन स्लो स्पीड है, ताकि आप लोग को आवाज क्लियर सुनाई दे, ठीक है। कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियो में और थोड़ा सा एडवांस कर सके, लेकिन ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहोगे, हम जरूर से सेटअप अच्छा लगा देंगे, ताकि आप लोग को और अच्छा क्वालिटी वीडियो का दे सके हम लोग। लेकिन फिलहाल भी मुझे लगता है आपके लिए ये जो क्वालिटी है वो इनफ है कि आप लोग आराम से पढ़ाई तो कर सको दोस्तों, इतनी मेरी गारंटी है। तो शुरुआत करने जा रहा हूं, क्वेश्चन जरूर से टेक्स्ट बुक से देख लेना, मैं रीड करके बताऊंगा आप लोग को, जो कि है पेज नंबर 53 पे आप देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे रीड करके आपके लिए बता दूं, जो कि बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो कि है 2x-2x³+7 यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको x का एक वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज है उसको लिख के दिखाता हूं, सबसे पहले आप देखोगे जो कि बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन है हमारा, और इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x-2x³+7, ठीक है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है। और इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 डाल के आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है तो उसका सिर्फ फर्स्ट ही बताऊंगा, जिसमें आपको यूज करना है x=3, मतलब x के जगह पे जहां पे x दिख रहा है आपको, वहां पे x के जगह पे 3 डाल देना है। तो सॉल्व कर लेते हैं x के जगह पे 3, तो आप देखोगे 2
एक्स है तो एक्स के जगह पे थ्री डाल दिया, माइनस टू एक्स के जगह पे थ्री डाल देता हूं, थ्री का क्यूब हो जाएगा प्लस सेवन। कितना सिंपल है आप देख सकते हो दोस्तों, क्या हो जाएगा टू थ्री सिक्स हो गया, माइनस ये थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, तो टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सेवन हो गया और प्लस सेवन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स और ट्वेंटी सेवन टू सा कितना होता है माइनस फिफ्टी फोर हो जाएगा प्लस सेवन। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिक्स माइनस फिफ्टी फोर इज नथिंग बट माइनस फोर्टी एट और प्लस सेवन, तो माइनस फोर्टी एट प्लस सेवन कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस फोर्टी वन आ जाएगा और आपका आंसर आ गया माइनस फोर्टी वन। कितना सिंपल है फ्रेंड्स कि आपको बस यही करना है कि जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है और आपका जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, पहला एक्स इजिकल टू थ्री था हमने निकाल लिया, सेकंड एंड थर्ड एक्स इजिकल टू माइनस वन है, एक्स इजिकल टू जीरो, बारी बारी से इसमें डालो और आपका आंसर जो है निकाल लो। कितना सिंपल है, उम्मीद करता हूं रिमेनिंग टू वाला जो आप दोनों फर्स्ट का जो सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल है वो आप लोग कर लोगे। कितना सिंपल है आप बोल सकते हो, कितना सिंपल है, यस ऑब्वियसली, तो आप लोग ये चीज कर पाओगे, ट्रस्ट भी, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, हमारा डस्टर हाँ इधर पे है तो फटाफट से रफ कर लेते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या बोला है, क्वेश्चन आपके टेक्स्टबुक में देख सकते हो, मैं रीड करके बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, आपको हर एक पॉलिनोमियल के हिसाब से पी वन, पी ऑफ जीरो एंड पी ऑफ माइनस टू निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि सेकंड का मैं पहले हेडिंग डाल लू। क्या बोला है आपको, क्या निकालना है पॉलिनोमियल के लिए, तो पहला जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है ना, सेकंड का फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो है आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां पे एक्स क्यूब दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या डालना है आपको, पी ऑफ वन के जगह पी ऑफ वन लेके सॉल्व करना है, फिर आपको पी ऑफ जीरो लेके सॉल्व करना है एंड तीसरा आपको पी ऑफ माइनस टू लेके सॉल्व करना है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात करूं, जहां पे भी एक्स दिख रहा है वहां पे पहले वन लेना है, वहां पे जीरो लेना है, वहां पे माइनस टू लेके सॉल्व करना है। तो एक्स क्यूब के लिए सॉल्व कर लेता हूं, सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन मतलब एक्स के जगह पे हम लोग को क्या करना है वन डालना है, तो एक्स के जगह पे वन डालना है, मतलब ये क्या हो जाएगा वन का क्यूब इक्वल टू वन, वन आंसर आ गया इसका बराबर। सेकंड हमको एक्स के जगह पे जीरो डालना है, मतलब पी ऑफ जीरो निकालना है, तो पी ऑफ जीरो इज नथिंग बट एक्स क्यूब है, इसके लिए जीरो का क्यूब हो जाएगा, तो जीरो क्यूब इज नथिंग बट जीरो, ये आपका सेकंड का भी आंसर आ गया। एंड थर्ड आपको क्या बोला है, पी ऑफ माइनस टू निकालो, तो पी ऑफ माइनस टू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा एक्स क्यूब के लिए, एक्स के जगह पे माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब हो जाएगा, तो माइनस टू का क्यूब, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज माइनस, सॉरी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज माइनस एट, तो आपका आंसर आ गया माइनस एट, आ गया आंसर खत्म। कितना सिंपल है, रिमेनिंग एग्जांपल्स आप लोग के लिए होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन का जो रिमेनिंग एग्जांपल है वो आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। क्योंकि क्यों नहीं करा रहा हूं सब एग्जांपल, क्योंकि अगर मैं सब करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, क्योंकि सब चीज आप सिर्फ देख के जाओगे ना तो ध्यान में नहीं रहता है, जब तक अपने हाथों से आप प्रैक्टिस ना करो। ये आपने नोटिस किया होगा पहले भी कि अगर आप खुद से हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा ध्यान में रहता है एज कम्पेयर टू आप लर्न करके जाओ या फिर वो एक वीडियो देख के जाओ। तो वीडियो देख के जाओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख के अगर सीख रहे हो तो मुझे बहुत प्राउड लग रहा है कि आपने वीडियो देख के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन को क्या कंसेप्ट लगता है ये आपको समझ लिया। अब आपकी बारी क्या है, जो रिमेनिंग एग्जांपल्स में छोड़ देता हूं वो आप लोगों को करना है प्रैक्टिस अपने हाथों से, और अपने हाथों से एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे 100% सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री आप देखोगे तो इसमें पूछा है, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, मैं लिख के दिखाऊंगा, सबसे पहले यहां पर रफ कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री आपको क्या लिखा हुआ है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, अच्छा एग्जांपल है, बहुत तगड़ा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछ भी सकता है ऐसे टाइप के एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल में एक दो मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है ऐसे टाइप का एग्जांपल। क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन, हेडिंग डाल लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। ओके, देखो क्या बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आपको नजर आ रहा होगा, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एम क्यूब प्लस टू एम प्लस ए, क्या बोला है, एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है एम क्यूब प्लस टू एम प्लस ए, ये आपका पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, करेक्ट है, देख सकते हो आप लोग, और इसका जो वैल्यू है ठीक है ना वो कितना है 12 है, मतलब एम क्यूब प्लस टू एम प्लस ए जो है इसका वैल्यू कितना है 12 है, ऐसा बोल के रखा है हमें, करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। और आपको क्या करना है, m इज इक्वल टू टू लेना है, यहाँ पे आपको m इज इक्वल टू टू लेना है और आपको निकालना है फाइंड a, आपको जो a है उसका वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल में यहाँ पे m भी है यहाँ पे a भी है, तो आपको अपने क्या करना है, m जहां पे दिख रहा है उसकी जगह पे टू लेना है और टू जैसे ही पुट करोगे तो आपका जो a का वैल्यू है वो निकल जाएगा, तो आपको a का वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। कितना सिंपल है, सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पुट m इज इक्वल टू टू, तो हम लोग क्या करेंगे m की जगह पे टू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम की जगह पे टू पुट किया तो ये एम हो जाएगा टू क्यूब प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस ए, हम लोग को निकालना है इज इक्वल टू ट्वेल्व, सॉल्व कर लेते हैं, टू का क्यूब कितना होता है एट होता है, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर प्लस ए इज इक्वल टू ट्वेल्व, करेक्ट है। अब ये एट प्लस फोर कितना हो गया ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व प्लस ए इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो ए कितना हो जाएगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, तो ए हम लोग को कितना आ गया दोस्तों जीरो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हमने एम का वैल्यू टू पुट किया ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में तो हमारा जो ए का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, शून्य मिला, यानी कि जीरो मिला। ठीक है, करेक्ट है दोस्तों, कितना सिंपल था, इतना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, क्लियर है, बहुत इजी था,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि अगेन चौथा जो क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक और पॉलिनोमियल आपको इस तरह से दिया हुआ है जो कि है एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री और उसमें आपको पी ऑफ माइनस वन जो है सेवन दिया है, मतलब आपको एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करना है एंड यहाँ पे उसका वैल्यू जो है सेवन दिया हुआ है, करेक्ट है। तो आपको एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, नहीं तो मैं आपको ये वाला होमवर्क देने वाला था लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर ले लेता हूं और एक दो एग्जांपल और लेने वाला हूं मैं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि रिमेनिंग एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस करो और अगर आप लोगों को उसमें से कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे तो डोंट वरी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम वहां पे भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन का। तो हमें पूछा एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल, एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री ये पॉलिनोमियल है, इसमें आपको बोला है अगर मेरा पी ऑफ माइनस वन जो है इसका वैल्यू सेवन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है होता है कि पी ऑफ माइनस वन मतलब जब एक्स के जगह पे माइनस वन डाल के इसको सोल्व किया ना तो हमारा आंसर सेवन आया, ऐसा इसका कहने का मतलब है, करेक्ट है। और हमें पूछा है फाइंड एम, मतलब अगर आप ऐसा होता है तो एम का वैल्यू निकालो। तो अगर ऐसा है तो एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग पी ऑफ माइनस वन लेके सोल्व करते हैं इसको। तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू सेवन बोला हुआ है, तो पी ऑफ माइनस वन मतलब इसके जगह पे हम लोग एक्स की जगह पे माइनस वन लेंगे और इज इक्वल टू सेवन लिखेंगे। तो हमारा एम यहाँ पे ऐसी रहेगा, एक्स के जगह पे क्या लेना है हमें, ये वाला दैट इज माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, एक्स के जगह पे अगेन माइनस वन प्लस थ्री और वो किसके बराबर है, सेवन के बराबर है, करेक्ट है दोस्तों। यही चीज हमने ले लिया, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एम पहले से ही है, माइनस वन का स्क्वायर इज नथिंग बट वन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज नथिंग बट प्लस टू और ये प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन, करेक्ट है। अब ये हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय वन इज एम, तो एम प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव होता है, डायरेक्टली ले लो यहाँ पे एम प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन, तो m कितना हो जाएगा सेवन माइनस फाइव, करेक्ट है। तो m आ गया आपका टू, तो m का आंसर आ गया m इज इक्वल टू माइनस टू। मतलब जब भी हमने ये इक्वेशन में x का वैल्यू जो था वो माइनस वन जब पुट करके सोल्व किया और जिसका वैल्यू हमारा आंसर आ रहा था पूरे पूरे आंसर का पूरे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जो आंसर था वो सेवन आ रहा था, तो हमने जब m का वैल्यू निकाला तो हमें m का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला फ्रेंड्स, m इज इक्वल टू माइनस टू। आप देख सकते हो कितना इजी टाइप का एग्जाम्पल था, करेक्ट है। अब क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं आगे का एक और क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लास्ट एग्जांपल जो कि पांचवा टाइप का एग्जांपल है, उसमें पहला जो है अगेन रिमाइंडर सॉरी फैक्टर मेथड का फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत इजी है, मैंने आपको कल ही कराया था। अब रिमेनिंग जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे ना, फिफ्थ से लेके फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, ये आ जाएंगे आपके रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर, जो कि ऑलरेडी कल ही हमारे लेक्चर नंबर एट में हमने कवर किया था, तो जरूर से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स। लेकिन एक एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन नंबर फाइव, उसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट एग्जाम्पल एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल आप लोग को होमवर्क दे दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे क्योंकि इतना सिंपल है, इसमें कुछ भी हम लोग को नया करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करें इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव का पहला एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे मैं, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन, ये आपका क्या है डिविडेंड हो गया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन, डिविजन किससे आपको डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन से आपको डिवाइड करना है, करेक्ट है, इसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन यही अगेन मैं रीड करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोला है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब इसको हम लोग को इससे डिवाइड करना है, करेक्ट है, एंड हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, फैक्टर मेथड का यूज करके फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्या करते हैं, ये हमारा क्या है डिविजन होता है, लिख दो एक्स प्लस वन, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना होता है, हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, पता है ना मैंने बताया था एक्स जब प्लस वन में है तो हमारा एक्स का आंसर जो है माइनस वन आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब इसको हम लोग एक्स के जगह पे माइनस वन डाल के सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो ये हमारा डिविडेंड है तो एक्स के जगह पे यहाँ पे माइनस वन पुट करना है, तो माइनस वन का स्क्वायर हो गया माइनस सेवन है यहाँ पे, एक्स कितना है माइनस वन अगेन प्लस नाइन, सोल्व कर लो इसको, माइनस वन का स्क्वायर इज वन, माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा, प्लस नाइन कितना हो गया वन प्लस सेवन इज एट, एट प्लस नाइन इज सेवनटीन, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों सेवनटीन, ये हमारा रिमाइंडर है, आ गया ना आंसर, यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो हमारा आ गया फैक्टर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर हमने निकाल लिया, करेक्ट है। बाकी के सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आई मीन टू से होमवर्क है, ये आप लोग जरूर से कर लेना, एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर सिक्स में भी सेम वैसे ही करना है, फैक्टर थ्योरम लगाना है, सेवन में भी वैसे ही करना है, एट में भी वैसे ही करना है, नाइन में भी रिमाइंडर मेथड है। तो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि चलो आप लोग करो तो आप लोग नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे बोल सकता हूं कि मैं यहाँ पे मेरा काम है कि आपको मैं एक पर्टिकुलर 15 से 20-25 मिनट का लेक्चर दे दूं यहाँ पे, लेकिन ये उतनी ही आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करो, वो आप लोग की जिम्मेदारी है फ्रेंड्स कि आप लोग वो करो, एंड जब तक आप करोगे ना फ्रेंड्स तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो एक बार कोशिश करना जरूर से, ये वीडियो जब देख लोगे
वीडियो कंप्लीटली देख लो। वीडियो देखने के बाद आप क्या करो, सीधा अपना नोटबुक निकालो, टेक्स्टबुक खोल लो, टेक्स्टबुक में से जो भी क्वेश्चन है उसको लिखो एंड बिना देखे कोशिश करो सॉल्व करने के लिए। जहां पे अटक रहे हो, जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से दोबारा से वीडियो देखो कि ऐसे टाइप का एग्जांपल आए तो क्या करना किया जाता है। हमारे प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देखो कि हमने कैसे बताया था रिमाइंडर थ्योरम को, कैसे बताते हैं फैक्टर थ्योरम को, कैसे करते हैं। तो वो जब देखोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसे जगह पे ऐसे किया जाता है, ऐसे जगह पे ऐसे किया जाता है। तो आप लोग आगे बढ़ जाओगे एंड जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद जब दोबारा किसी दिन एक दिन और छोड़ के बैठना, तो देखो 100% अकेले के दम पे बिना देखे सॉल्व करके दिखाओगे, ये मेरी गारंटी आप लोग से। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं इतना ही रखना चाहूंगा एंड जो रिमेनिंग एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6, जो 5 तक हमने करा दिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आप लोग को जो है एग्जांपल्स में आपको होमवर्क दे रहा हूं एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसका जो होमवर्क है वो कर लोगे। फ्रेंड्स तो आज का लेक्चर इतना ही, कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा, अपनी राय अपने सजेशन जरूर से दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।